पंजाब के ब्यास से शहनाज गिल ने अपने सफर की शुरुआत की। शहनाज गिल बिग बॉस 13 में आई और बिग बॉस 13 के बाद लगातार उनके लिए कई रास्ते खुले थे, लेकिन बिग बॉस 13 में आते ही उन्हें एक थका हुआ शो दिया गया, मुझसे शादी करोगे। बावजूद इसके शहनाज ने उसे करना स्वीकार कर लिया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और लगातार एक के बाद एक कई लॉकडाउन लगते चले गए। शहनाज गिल फिर भी नहीं रुकी और शहनाज ने बैक टू बैक एक से बढ़कर एक म्यूजिक सॉन्ग अपने फैंस के लिए बनवाया। वहीं शहनाज गिल लगातार कामयाबी की बुलंदियों को पहुंच रही थी। इसी बीच एक बुरी खबर सामने आई। शहनाज के सबसे अच्छे दोस्त, शहनाज के हम सफर कहे जाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कह गए। शहनाज ने उन दिनों सबसे ज्यादा इस बात को तो फेस किया ही, साथ ही साथ जब वो रिकवर करने लगी तो आसिम रियाज जैसे कुछ आलोचकों को भी उन्होंने झेला। रियलिटी शो बिग बॉस के बाद अगर शहनाज गिल लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स में संलिप्त रहती तो शायद अब तक शहनाज के पास 20 से ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में होती। लेकिन शहनाज के इन करते ही लॉकडाउन लग गया और उसके बाद संघर्ष लगातार जारी रहा। शहनाज जो कि पंजाब के ब्यास के एक छोटे से जगह से आई थी, वो आज एक अपनी पहचान बना चुकी हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए शहनाज की कामयाबी की, तो इसी को शायद कामयाबी कहते हैं। पिछले लगातार 2-3 सालों से संघर्ष करते हुए आज शहनाज ने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि शहनाज का प्रोमो इतना ज़्यादा हिट हो रहा है। शहनाज जल्द ही टेलीविज़न पर दोबारा कमबैक करने वाली है और उनका एक गाना रांझा नज़र आने वाला है। और साथ ही साथ शहनाज गिल हुनरबाज में शायद कुछ और परफॉर्मेंस देती हुई भी नज़र आएंगी। इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शहनाज गिल या उनके सूत्रों से पता चली है। लेकिन इसी बीच कहा यह जा रहा है कि शहनाज का जो ये प्रोजेक्ट है, ये शहनाज की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। शहनाज का ये प्रोमो वीडियो सिर्फ एक प्रोमो वीडियो नहीं है, बल्कि शहनाज की ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ने वाली सीढ़ी का एक और पायदान है। शहनाज गिल के करियर पर जो ब्रेक लॉकडाउन की वजह से बिग बॉस 13 के बाद लगा था, वो शायद अब हट जाएगा। शहनाज गिल दोबारा से बुलंदियों की तरफ बढ़ रही हैं और एक अहम रोल शहनाज गिल की ज़िंदगी में डब्बू रत्नानी ने भी निभाया है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि डब्बू रत्नानी ने जिस तरह से शहनाज को तस्वीरों में उतारा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। शहनाज लगातार आगे बढ़ रही हैं और कामयाब हो रही हैं, उनके फैंस उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसी बीच शहनाज के इस अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं उनके फैंस, और इस प्रोजेक्ट से शहनाज के फैंस को काफ़ी उम्मीद भी है। ये वही प्रोजेक्ट है जो शहनाज के लिए नए दरवाजे खोल देगा। और कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप शहनाज गिल के इस सॉन्ग को सुनने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।